हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आइए आज के इस वीडियो में अपन कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, जिसमें देखिए अपन क्या करते हैं, लेटर कोडिंग जो कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, एक दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल मैंने उसके कराए थे, लेकिन इसमें और क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और पेपर में आप कोई गलती ना करो। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलेंगे, नंबर कोडिंग पे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी वर्ड आ जाएगा उसको दे के रखेगा कि भाई इस वर्ड को इसने ये लिखा है तो बताइए इस वर्ड को क्या लिखेगा। तो अपन को अब यहाँ वर्ड क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ई क्यू यू आई टी वाई, इक्विटी दे रखा है और उसने इक्विटी को लिख रखा है, ये लिख रखा है इक्विटी को, ठीक है। अब इक्विटी को उसने ये लिख दिया, तो अब अपना काम क्या था, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिक ढूंढना, इसमें क्या लॉजिक है। तो लॉजिक ढूंढने के लिए मैंने पहला काम बताया था कि इनको नंबरिंग दे डालो, नंबरिंग दे दो। तो देखो इसीलिए मैंने कहा था कि अपोजिट और नंबरिंग है वो याद होनी होनी चाहिए। तो बताओ ई का नंबर क्या बताया था, ई का बताया था पांच, बताया था कि भाई जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी है उनमें ई पांचवें नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है, सत्रह पे आता है। यू कितने पे आता है, इक्कीस पे आता है। आई कितने पे आता है, नौ पे आता है। टी कितने पे आता है, बीस पे आता है। वाई कितने पे आता है, पच्चीस पे आता है। तो अब देखिए यहाँ एस को देखिए, एस कितने पे आता है, एस आता है उन्नीस पे, क्या बताया था, उन्नीस सुल्तान। ओ कितने पे आता है, ओ आता है पंद्रह पे आता है, ठीक है, कितने पे आता है, पंद्रह पे। सी कितने पे आता है, तीन पे आता है। और डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आता है तेईस पे आता है। आर आता है अठारह पे, बताया था ना, अठारह राजा उन्नीस सुल्तान टी ट्वेंटी मैच देखने गए। फिर जी कितने पे आता है, सात में, ये अपने आप में इसके अंदर सात है ये, तो सात पे। तो अब अपन देखेंगे, देख लिए अपन ने, क्या देख लिया, नंबरिंग देख ली। तो अब फटाफट इनको गिन लेते हैं कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह। तो अब अपन छह तो देखे, देख के लेते हैं एक बार, इसके टुकड़े करके देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, तीन तीन बांट लेते हैं, ये लो इसका पार्टीशन कर दिया मैंने तीन तीन में, ठीक है, कर दिया पार्टीशन। अब देखो ढूंढो लॉजिक, क्योंकि पार्टीशन करने से क्या है, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है पार्टीशन होके तीन तीन के बीच ही कोई लॉजिक चल रहा हो, हो सकता है सबके बीच आपस में यू क्रॉस का चल रहा हो ऐसे टाइप से। लेकिन अपन को तो देखो ये कोडिंग डिकोडिंग फंडा यही है कि हो सकता है ये लॉजिक चल रहा हो, वो लॉजिक नहीं चलेगा, लॉजिक फेल हो गया तो नेक्स्ट लॉजिक लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट लगाना पड़ेगा, लॉजिक पे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो देखो सबसे थोड़ा आसान करने के लिए अपन को क्या करना है, पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन मैंने कर दिया तो मेरे पास तीन तीन के सेट बन गए, तीन का इधर तीन का इधर। तो अब देखते हैं क्या देखते हैं, देखो देखेंगे अपन ये कि भाई इसमें क्रॉस वाला आ रहा है या फिर वन टू वन आ रहा है। तो चलो वन टू वन में देखते हैं कि यहाँ क्या रहा है, पांच आ रहा है, पांच से यहाँ क्या रहा है, उन्नीस आ रहा है, ठीक है। अब पांच से उन्नीस कब आएगा, जब इसमें फोर्टीन एड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा है, सत्रह आ रहा है और सत्रह के बाद यहाँ कितना आया, यहाँ आया पंद्रह। तो इसमें क्या किया, इसमें हुआ माइनस, हुआ कितना हुआ, माइनस टू हुआ। यहाँ क्या रहा है, यहाँ आ रहा है इक्कीस आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है तीन आ रहा है, तो यानी कम हो रहा है। तो यानी ऐसा कोई लॉजिक नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि देखो आगे वाले में प्लस हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, फोर्टीन हो रहा है, नेक्स्ट में माइनस टू हो रहा है और इसमें तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो ये लॉजिक तो काम अपना नहीं करेगा। अब ये लॉजिक अपना काम नहीं करेगा तो अपन को नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना काम यही है कि भाई वन टू वन तो देख लिया कि वन टू वन तो नहीं हो रहा। तो चलो वन टू वन नहीं हो रहा तो अपन क्रॉस वाला देखते हैं, क्रॉस वाला देखते हैं अपन। तो देखो पहले तो अब ये तीन है, तीन में है तो बीच वाले को मैं देख लेती हूँ, बीच वाले में यहाँ कितने हैं, सत्रह है और यहाँ कितने हैं, पंद्रह है। तो क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस टू हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस टू हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इन तीन के सेट को, कौन कौन से नंबर पास पास दिखाई दे रहे, पांच और तीन पास पास दिखाई दे रहा है, इक्कीस और उन्नीस पास पास दिखाई दे रहा है, इसी तरह से सत्रह और पंद्रह दिखाई दे रहे थे, सत्रह और पंद्रह दिखाई दे रहे थे, तो इनको आपस में कर दिया। अब देखो इक्कीस और उन्नीस दिखाई दे रहा है, तो फटाक से आपके माइंड में क्या स्ट्राइक किया कि भाई हो सकता है इस टाइप का कोई लॉजिक लग जाए कि भाई यहाँ इक्कीस है या उन्नीस है तो माइनस दो कर देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, पांच है, यहाँ क्या है, तीन है, ठीक है। तो भाई पांच में से दो चले गए तो क्या बचेगा, तीन ही तो बचेगा, तो इसमें भी क्या हो गया, माइनस टू किया है।
तो देखो यहाँ ये लग गया, अब देखते हैं सेम इसी टाइप से यहाँ लगता है क्या। तो सबसे पहले बीच वाले को चेक कर लेते हैं, बीच वाला यहाँ कितना है 20 है और यहाँ कितना 18 है, तो कितना हुआ माइनस टू है, कितने हुए माइनस टू है। अब देखते हैं क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस में यहाँ कितना है 25 है और यहाँ क्या है 23 है, तो देख लेते हैं क्या हो गया माइनस टू हो रहा है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है 9 है और यहाँ क्या है 7 है, तो क्या हो रहा है 9 और 7 तो वही माइनस टू। ठीक है, अब देखो क्या देखा अपन ने, अपन ने ये देखा कि जो लॉजिक अपने इस वाले सेट में दिखाई दे रहा था, कौन से सेट में, देखो ये वाले सेट के अंदर, ये तीन वाले सेट के अंदर वही लॉजिक इस वाले सेट में चल रहा है। तो चलो कर दे अपन फटाफट इसको सॉल्व करें। देखो अब पूछा है अपन से कि ये नोटिफाई दे रखा है, इसको अपने इसकी कोडिंग क्या होगी, इसको क्या लिखेंगे, तो फटाफट देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 6 कर दिया तीन तीन के टुकड़ों में, तीन तीन के टुकड़ों में कर दिया। और मैंने क्या बताया इनको फटाफट से क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। एन की नंबरिंग क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट यानी एबीसीडी में एन 14वें नंबर पे आता है और ओ कितने पे आता है 15वें पे, टी कितने पे आता है 20 और आई कितने पे आता है 9 पे आता है, एफ आता है 6 पे, वाई आता है 25 पे, ये इनकी नंबरिंग हो गई। देखो नंबरिंग जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगी, पर कैसी ये होंगी बार बार, देखो कई बार स्टार्टिंग में इनको दोहराना पड़ेगा। और आप क्या करो, देखो मैं पहला जो वीडियो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट वन, उसके अंदर मैंने अपोजिट्स कि ये अल्फाबेट से इनके अपोजिट्स और नंबरिंग ये याद करने के तरीके बताए, कई नंबरिंग मैंने याद कराई है, कई आपको खुद को करनी है, अपोजिट मैंने पूरे याद कराए, तो फटाफट उस वीडियो को देखिए और ये क्वेश्चंस करिए। क्यों, क्योंकि देखो जब नंबरिंग और अपोजिट होंगे तभी जाके क्वेश्चंस लग पाएंगे, ऐसे नहीं लग पाएंगे, बहुत लॉजिक होते कोडिंग डिकोडिंग में, और कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता है, और बैंक में ये कितने मार्क्स का आता है, बैंक में डायरेक्ट 5 नंबर का उठ के आता है। ठीक है, तो देखो अब चलो अपन करते हैं, अपन चेक करते हैं क्या लॉजिक चल रहा था इसमें। देखो जो लॉजिक यहाँ अपना चला था ना, इस वाले में चला था जो लॉजिक, वही लॉजिक अपन को यहाँ चलाना है, यहाँ चला है वही लॉजिक चलाना है सेम, क्योंकि अलग तो कर नहीं सकते। तो यहाँ लॉजिक क्या चला था, पहले तीन के बीच भी कैसा चला था, तीन के बीच चला था कि भाई पहले यहाँ देख लेते हैं इसको, तो माइनस टू कर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया था अपन ने, क्रॉस किया था इसमें से माइनस टू कर दिया था, फिर इसके बाद इसमें से क्या कर दिया था, माइनस टू कर दिया था। ठीक है, ऐसा कुछ था, ऐसा लॉजिक था। तो चलो अब मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ, मेरे को समझा चुकी हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आंसर दो फटाफट से, क्या है यह 15 है, 15 में से माइनस दो गए तो कितने आए 13, 13 है, और 13 किसकी नंबरिंग है, एम की, बता चुकी हूँ मैं नंबरिंग ऑलरेडी। अब मुझे बताओ यहाँ टी कितने पे, 20वें नंबर पे, और 20 में से कितने जा रहे हैं, यहाँ 20 में से दो गए, क्योंकि लॉजिक तो ये चल रहा है ना माइनस टू वाला, 20 में से कितने गए, दो गए माइनस टू, तो दो चले गए तो कितने आ गए 18 आ गए, 18 किसकी नंबरिंग है, 18 है आर की नंबरिंग, किसकी, आर की नंबरिंग है, आर की नंबरिंग है, तो ये आर लिख दिया मैंने। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या है, एन कितने पे, 14 नंबर पे, और फिर 14 में से 2 चले गए, यानी 14 में से 2 चले गए तो कितने बचे 12 बचे, कितने बचे 12 बचे, तो 12 को किसकी नंबरिंग है 12 है एल की नंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब जो अपने लॉजिक यहाँ चला है वही लॉजिक अपने यहाँ चलेगा, तो फटाफट से लगा लो लॉजिक क्या था, इसी के बीच में सेम चलेगा, क्या चलेगा भाई माइनस टू होगा, है ना, और फिर इनके बीच इनमें क्या होगा क्रॉस, क्रॉस वाला माइनस टू, और यहाँ पे भी क्रॉस वाला माइनस टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अपने दे रखा था, इसमें अपन ने लॉजिक निकाल लिया है कि भाई ये लॉजिक चल रहा था, वही लॉजिक तो लगा रहे हैं अपन सेम। तो देखो अब मेरे को बताइए, फटाफट से मेरे को बताइए, क्या बताइए कि यहाँ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ की नंबरिंग क्या है 6, 6 में से 2 चले गए तो क्या बचे 4, और 4 को क्या लिखते हैं, किसकी नंबरिंग है, डी की नंबरिंग है 4। ठीक है, किसकी नंबरिंग है, डी की नंबरिंग है। अब बताइए नेक्स्ट अपना यहाँ पे क्या है, 25 है, और 25 में से अपन को कितने माइनस करने हैं 2, क्योंकि सब में लॉजिक ये चल रहा था माइनस टू हो रहे थे क्रॉस वाले और सब में। ठीक है, तो माइनस टू हुए तो कितने हुए 23, और 23 किसकी नंबरिंग है, 23 है डब्लू की, तो यहाँ क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। अब नेक्स्ट बताइए मुझे, नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्या है 9 है, और 9 में से जब मैं माइनस दो करूं तो मेरे पास कितने मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे 7 मिलेंगे, क्या मिलेंगे 7 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, तो देखो कितने मिलेंगे 7, 7 का मैंने क्या बताया था, जी बताया था, ये देखो जी में अपने आप में कितने हो रहे हैं, अपने आप में 7 बन रहे हैं।
कितने सात बन रहे? देखो ये अपना जी है और ये देखिए इसके अंदर सात बन गए। तो आंसर अपना क्या हो गया? आंसर अपना निकल गया, देखो यहां से ये निकला है और यहां से ये निकला है। तो अब मिला कि क्या मिल जाएगा? आर एम एल, आर एम एल, फिर डब्लू, फिर डी जी, ये अपना आंसर हो गया। तो चलो ठीक, इसी तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, ये दे रखा है ए बी एस सी एन टी, एब्सेंट दे रखा है और एब्सेंट को क्या रखा है इसने, ये लिख रखा है टी सी बी एस एम डी, ये लिख रखा है। ठीक है, तो अब बताओ सी ए बी एल ई एस केबल्स, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? लॉजिक निकालना पड़ेगा। लॉजिक निकालने के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले इनकी नंबरिंग दे दो। तो ए कितने नंबर पे आता है? एक पे आता है। बी दो पे आता है। एस कितने पे आता है? उन्नीस पे आता है। ई कितने पे आता है? पांच पे आता है। एन कितने पे आता है? चौदह पे आता है। टी कितने पे आता है? बीस पे आता है। फिर यहाँ देखिए टी कितने पे आता है? बीस पे आता है। सी कितने पे आता है? तीन पे आता है। बी कितने पे आता है? दो पे आता है। ठीक है, एस कितने पे आता है? उन्नीस पे आता है। एम कितने पे आता है? तेरह पे आता है। और डी कितने पे आता है? डी आता है चार पे आता है। ये इनकी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग हो गई उसके बाद मैंने क्या बताया था कि गिन लो कितने नंबर है, कितने नंबर है, देखो गिनते हैं अपन, है ना, एक दो तीन चार पांच छह छह। तो देखो थोड़ा इजी करने के पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इनमें वन टू वन वाले अप्लाई हो रहे हैं क्या। ये देखिए, देखते हैं वन टू वन वाले। यहाँ पे क्या एक है, एक से बीस आया तो यानी कि प्लस उन्नीस अपन को एड करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे दो है, दो से तीन आया यानी प्लस एक एड करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्नीस है, उन्नीस से दो आ रहे यानी माइनस करने पड़ेंगे। अब देखो ये यहाँ पे दो है प्लस माइनस, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपन इजी करने के लिए देखते हैं और क्या लॉजिक चल सकता है। तो अपन ने देखा यार ये तीन दे रखे हैं, तीन अल्फाबेट दे रखे हैं, तो क्यों ना मैं इसको ब्रेक कर दूं ब्रेक, ताकि मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाए और फिर मैं चेक करूं कि भाई देखे ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो देखो अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया तो साफ साफ दिख रहा है, लॉजिक आ चुका है समझ में। क्या आ चुका है? ये देखिए, यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है प्लस एक ऐड हुआ है। ठीक है, क्योंकि दो तीन पास पास दिखाई दे रहा है। अब बताओ अब क्या पास पास दिखाई दे रहा है? यहाँ एक, यहाँ दो। ठीक है, तो ये दोनों पास पास दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे तो पास पास नहीं दिखाई दे रहे, बहुत ज्यादा अंतर है इन दोनों के बीच में, हल्का हल्का अंतर है। तो देखो क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक में एक को एड किया प्लस एक। अब यहाँ देखो यहाँ उन्नीस दिखाई दे रहा है, यहाँ बीस दिखाई दे रहा है। तो आ गया लॉजिक समझ में कि भाई क्रॉस वाला लॉजिक चल रहा है, क्रॉस वाला लॉजिक चल रहा है कि ये तो आपस में हो गए, इनमें एक एक ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और इनके अंदर एक ऐड कर दिया। तो अब जो लॉजिक इस पार्ट में लगा है वही लॉजिक इस पार्ट में लगना चाहिए, तब जाके लॉजिक सही होगा। तो चेक करते हैं ऐसा लॉजिक क्या इसमें। तो देखो यहाँ क्या था, 14 था और इसमें क्या हुआ था, प्लस वन ऐड हुआ था। ठीक है, प्लस वन ऐड हुआ था। तो देखिए अब यहाँ क्या किया है, यहाँ इसने माइनस कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो कोई बात नहीं कर देते हैं माइनस, क्योंकि देखो अब लॉजिक तो अपना क्रॉस वाला ही चलना चाहिए ना। हो सकता है इधर प्लस का चल रहा हो, इधर माइनस का चल रहा हो, तो वही लॉजिक यहाँ काम करेगा। तो देखते हैं क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या किया, माइनस किया है। अब देखिए अब और क्या क्या दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पांच दिखाई दे रहा है, यहाँ चार दिखाई दे रहा है, तो ये पास पास है। तो पांच से चार आया, कब आया पांच से चार, जब माइनस एक किया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बीस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उन्नीस दिखाई दे रहा है, क्या हो गया माइनस एक हो गया। तो मेरे को लॉजिक क्या समझ में आया, मेरे को लॉजिक ये समझ में आया कि देखिए ये तीन का हिस्सा था ना, ये तीन का हिस्सा, इसमें क्या था, ये ऐसा क्रॉस वाला ही चल रहा है, क्रॉस वाला चल रहा है, लेकिन सब में क्या हो रहा है, प्लस वन एड हो रहा है सब में। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी चल तो ये क्रॉस वाला ही रहा है, यही वाला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है सब में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस वन हो रहा था। तो लॉजिक समझ में आ गया, फर्स्ट तीन में तो प्लस वन प्लस हो रहा है और लॉजिक क्या है, क्रॉस वाला। यहाँ पे भी लॉजिक क्रॉस वाला है, लेकिन क्या हो रहा है, माइनस वन। तो चलो फटाफट से उड़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो किया एक दो तीन चार पांच छह छह, तो फटाफट पार्टीशन कर दिया। नंबरिंग दे दो फटाफट से। सी का तीन बताया था, ए का क्या बताया था, एक बताया था। बी का कितना बताया था, दो बताया था। एल का बारह, ई का पांच, एस का उन्नीस। ठीक है, उन्नीस है ये। अब क्या था लॉजिक समझ में आ गया। देखो यहाँ देखा क्या था, क्रॉस वाला था, कैसे था, ये क्रॉस वाला था, ये क्रॉस वाला था। सब में क्या हो रहा था, प्लस वन एड हो रहा था, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस वन। तो अब बताओ ए में प्लस वन करूं, मैं ए में प्लस वन करूं तो क्या बन जाएगा, दो बनेगा और दो पे क्या आ रहा है, बी।
फिर यहाँ क्या है, दो में प्लस वन करूँ तो तीन बनेगा, तीन पे क्या आएगा सी, यहाँ सी कितने पे, यहाँ तीन पे, तीन में क्या करना है प्लस वन ऐड करना है, प्लस वन क्योंकि प्लस वन ही चल रहा है ना, प्लस वन ऐड करना है तो कितना बन गया, चार बन गया, चार पे क्या है डी, ठीक है। तो अब इसी तरह से इसमें देख लीजिए, इसमें भी क्या होगा, वही क्रॉस वाला होगा क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो ये क्रॉस वाला ही हो रहा है, क्रॉस वाला हो रहा है लेकिन माइनस वन हो रहा है इसमें, यानी इधर वाले पार्ट में तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, और यहाँ पे क्या माइनस वन माइनस वन। तो देखिए इसमें से माइनस वन करना पड़ेगा, इसमें से माइनस वन करना पड़ेगा, इसमें से माइनस वन करना पड़ेगा, तो यहाँ 19 है, 19 में से माइनस वन किए तो कितना हो गया 18, 18 पे क्या आता है आर आता है। अब यहाँ पे ई, यहाँ पांच है, पांच में से एक माइनस करना पड़ेगा तो क्या आएगा चार, चार को किसकी नंबरिंग है डी की नंबरिंग है। अब यहाँ क्या है 12 है, 12 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या है के की नंबरिंग है। तो आंसर अपना क्या निकल के आया है, देखो साफ साफ दिख रहा है क्या आंसर आया है, ये अपना आंसर आया है। तो समझ में आ गई देखो लेटर कोडिंग। अब देखो इस टाइप से किसी भी टाइप का कोई भी लॉजिक आ सकता है, तो ठीक है अब अपन नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन और देख लेते हैं लेटर कोडिंग के, फिर फटाफट से अपन नंबर कोडिंग करते हैं। तो देखिए ये क्या है, अपन को दे रखा है आर ए के ई एस एस, राकेश दे रखा है, इसको इसने ये लिख रखा है, तो बताओ ये एम ए एन यू ए एल मैनुअल को क्या लिखेंगे। तो राकेश का क्या हो गया, देखो आर की नंबरिंग 18 हो गई, ए की एक हो गई, के की 11 हो गई, ई की पांच हो गई, एस की कितनी हो गई 19 हो गई, एच की कितनी हो गई 8 हो गई, आई की 9 हो गई है, जेड की कितनी हो गई 26 हो गई, पी की 16 हो गई, वी की कितनी हो गई, वी की हो गई 22 हो गई, और एच की कितनी हो गई 8 हो गई, और एस की कितनी हो गई 19 हो गई। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यार कैसा क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए देखिए ध्यान से, अब यह क्या रहा है आर आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, तो ये आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो देख लेते क्या पता आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है लॉजिक। देखते हैं ए आ रहा है, ए का जेड आ रहा है, ए का अपोजिट जेड होता है, के का पी ऑपर होता है, और ई का वी होता है, एच का एस होता है, एच का एस होता है। तो यानी अपन को लॉजिक समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगा है, इसके अंदर लगा है अपोजिट का, अपोजिट का लगा है 1:1, यानी इनके बीच सबके बीच क्या आ रहा है अपोजिट आ रहा है, ये भी अपोजिट है ठीक है, ये और फिर ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी क्या है अपोजिट है, और फिर ये भी अपोजिट है। तो अब देखो समझ में आ गया लॉजिक, कौन सा लॉजिक है अपोजिट वाला। तो चलो इसमें भी फटाफट लॉजिक कर देते हैं। देखो क्या है, एम का अपोजिट क्या बताया था मैन, ठीक है, कैसे याद कराया था मैन से, ये मैन से कराया था। तो देखो M का अपोजिट N आ गया, A का क्या हो गया Z, आजाद से कराया था, फिर वापस N आ रहा है, N का अपोजिट M हो गया, U का क्या हो गया F हो गया, कैसे याद कराया था फादर अंकल, A का अपोजिट क्या हो गया, A का अपोजिट Z हो गया, कैसे याद कराया था आजाद, L का अपोजिट क्या हो गया O हो गया, कैसे याद कराया था लव। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया N Z M F Z O, ये अपना आंसर हो गया। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन को ये दे रखा है डी आई जी ई एस टी बैजेस दे रखा है, इसको लिख रखा है इसने कि भी एच ई जे यू एफ टी लिख रखा है, तो बताओ ये सी आर ओ डब्ल्यू पी वाई क्राउपी को क्या लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनकी नंबरिंग दे दो, तो डी की नंबरिंग क्या है चार है, आई की कितनी है नौ है, जी की कितनी है सात है, ई की कितनी पांच है, एस की कितनी है 19 है, टी की कितनी है 20 है। इसी तरह से यहाँ इनकी नंबरिंग दे लो, क्या नंबरिंग देंगे, एच की कितनी 8 है, ए की कितनी है 5 है, जे की कितनी है, जे की 11 है, यू की कितनी है 21 है, एफ की कितनी है 6 क्योंकि एफ फिक्स, टी की कितनी है 20 है, ये नंबरिंग हो गई। अब देखो देखिए कोई लॉजिक चल रहा है क्या, तो कोई लॉजिक देखे अपन, तो अपन ने क्या किया, देखो अपन ने किया लॉजिक क्या चल रहा है इसके अंदर, लॉजिक चल रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ देखा तो क्या किया अपन ने, चार ऐड करना पड़ा तब 8 मिला, अब यहाँ से क्या किया चार को माइनस किया तब जाके अपन को क्या मिला, तब जाके अपन को मिला है 5 मिला है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चार को ऐड किया तब जाके अपन को ये मिला है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ तक तो ये सही चल रहा था लॉजिक, अब यहाँ चल के क्या हो गया, यहाँ पे वापस प्लस का कुछ आ गया क्योंकि ये 5 है, ये 21 से ज्यादा हो गया, तो यानी ये लॉजिक अपना नहीं लगेगा, ये काम नहीं करेगा, यानी कि 1:1 वाला तो अपना क्या हो गया फेल हो गया, 1:1 फेल हो गया। तो चलो क्रॉस चेक करें। अब देखो क्रॉस के लिए मैंने क्या बताया था, क्रॉस के लिए मैंने बताया था पहले गिन लो ये कितने अल्फाबेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 दे रखे, तो थोड़ा आसान बनाने के लिए इनको फटाफट क्या कर दो, पार्टीशन कर दो, इनका पार्टीशन कर दिया। अब देखो पार्टीशन करने के बाद देखो कौन कौन से नंबर पास पास दिखाई दे रहे हैं,
कौन कौन सा नंबर पास दिखाई दे रहा है ये चेक करो। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ क्या है, चार है, ये क्या है, पांच है, ये दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है, देखो ये सॉरी यहाँ गलती से लिख दिया है। यहाँ पे क्या देखो, जे की नंबरिंग 10 होती है, कितनी होती है 10 होती है, जे की नंबरिंग 10 होती है जे की नंबरिंग, ठीक है। तो देखिए अब क्या बताया मैंने, बताया कि भाई यहाँ पे क्या है, अपन को चार है, यहाँ पे क्या है पांच है, ये पास पास दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कितना है अपना नौ है, और यहाँ पे कितना है 10 है, ये भी पास पास दिखाई दे रहे हैं, पर ये क्रॉस हो रहे हैं आपस में एक दूसरे से। देखो ये क्या ऐड किया, यहाँ एक ऐड किया, इसी तरह से यहाँ पे एक ऐड किया, ठीक है, तब जाके ये मिला। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है सात है, यहाँ क्या है आठ है, ये दोनों पास पास है, ये दोनों पास पास है, तो इनको देख लेते हैं क्या किया है, इसमें भी एक ऐड किया। तो देखते हैं अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे तो ये लॉजिक कर गया, अब यहाँ देखते हैं यहाँ कैसा है। क्या देखा, पास पास कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऑब्जर्व करो फटाफट से, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो मैंने आपसे पूछा पास पास क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे पांच और छह, पांच और छह, तो यानी कि ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐड हो रहा है इसमें, प्लस एक ऐड हो रहा है। फिर मैंने पूछा वापस से कि और बताओ इसमें क्या क्या पास पास दिखाई दे रहा है, फिर आप कहोगे भाई ये 19 और 20, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ऐड, एक ऐड हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि अब बताओ और कौन सा पास पास दिखाई दे रहा है, फिर कहोगे आप 20 और 21, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी प्लस एक ऐड हो रहा है। लॉजिक समझ में आ गया, देखो इधर से क्या था लॉजिक, ये क्रॉस हो गए और ये क्रॉस हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी यही था लॉजिक, क्रॉस और ये क्रॉस, और इनमें क्या था सब में प्लस वन ऐड हो रहा है, ये था लॉजिक। तो यही लॉजिक यहाँ काम करना चाहिए। तो पहले तो कर लो इनको तीन तीन में डिवाइड, कर लिया तीन तीन पार्टीशन कर दिया, अब फटाफट इनकी नंबरिंग दे देते हैं। सी की नंबरिंग कितनी है, तीन है, आर की नंबरिंग कितनी है, 18 है, ये तीन है ना, और ओ की नंबरिंग कितनी है, 15 है, डब्लू की 23 है, पी की कितनी है, 16 है, वाई की 25 है, दे दी नंबरिंग। अब क्या था लॉजिक, लॉजिक था आपने कि देखो ये होगा क्रॉस और इसमें क्या होगा प्लस एक ऐड होगा, तो यहाँ क्या है 15 15 में एक ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 16, यानी कि पी। अब यहाँ बताओ फिर कैसे था, ये इस प्रकार था, इस प्रकार था, तो इनमें भी क्या प्लस वन ऐड हो रहा था, तो सी कितने नंबर पे, तीन पे, तीन में एक ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा चार मिलेगा, चार पे क्या है डी है। अब यहाँ क्या है 18, 18 में देखो प्लस एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 किसकी नंबरिंग है, एस की नंबरिंग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी ये इसी तरह का चलेगा लॉजिक, एक ऐड कर दे तो 25 है, एक ऐड किया तो क्या हो गया 26, ठीक है 26 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 26 किसका है, जेड का है। फिर क्या था, ये हो जाएंगे आपस में, ठीक है, इनमें भी प्लस वन, तो बताओ 23 है, 23 में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 किसका है, एक्स है। फिर आप देखिए यहाँ 16 है, 16 में एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया 17, और 17 किसका है, 17 है क्यून का, ठीक है, यानी क्यून को खतरा। तो आंसर अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया, यानी पी डी एस जेड एक्स क्यू, ये अपना आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, नंबर कोडिंग देखते हैं, नंबर कोडिंग देखते हैं। देखो नंबर कोडिंग बहुत आसान है, इसलिए एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती, पर कभी कभी एग्जाम का बहुत कम लेवल होता है तो पूछ ली जाती है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेटर कोडिंग, जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, लेटर कोडिंग और ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो कोई बात नहीं, अपन फटाफट देखते हैं नंबर कोडिंग। अब देखो नंबर कोडिंग में क्या है, उसने आपको ये वर्ड दे दिया एस आई एस टी आर सिस्टर दे दिया, उसमें इसने नंबर दे दिया है कि भाई एस को उसने 5 फिक्स कर दिया, आई को उसने 3 फिक्स कर दिया, एस को 5 फिक्स कर दिया, टी को 2 फिक्स कर दिया, ई को 0 फिक्स कर दिया, आर को 1 फिक्स कर दिया, यानी कि एस को कह दिया उसने एस का कोड 5 है, आई का कोड कितना है। अब नंबर कोडिंग को देखो हिंदी में क्या कहेंगे, नंबर को कहेंगे अंक, अंकों की कोडिंग, क्या है अंकों की कोडिंग। तो देखो एस को क्या फिक्स कर दिया, एक्स को क्या कह दिया कि एक्स का कोड 5 है, आई का कोड 3 है, एस का कोड एस एस है ये सॉरी है ना, एस का कोड क्या हो गया 5 हो गया, टी का कोड 2 हो गया, ई का कोड क्या हो गया 0 हो गया, आर का कोड कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ दे दिया उसने यू एन सी एल ई अंकल, तो अंकल में देखो यू को उसने कह दिया कि भाई यू का कोड 7 है, एन का कोड 8 है, सी का कोड क्या है 9 है, एल का कोड 6 है, ई का कोड 0 है, तो बताओ एन डबल ई आर नीर का कोड क्या होगा। तो देखो एक चीज ध्यान दो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है देखो इस वाले में अपन ने देखा क्या क्या, एस यहाँ पे एस यहाँ पे एस एस आ रहा है,
दोनों में एस एस आ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी एस को 5 से कोड कर रखा है, यहाँ पे भी एस को 5 से कोड कर रखा है। और देखते हैं और क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस वाले में ई आ रहा है, इस वाले में भी ई आ रहा है, यहाँ पे भी एस का कोड उसने 0 लिख रखा है, यहाँ पे भी एस का कोड 0 लिख रखा है, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन देखो क्या है अपन को फिक्स है कि जो ये नंबर है उनके कोड अपन को यही फिक्स रखना है। तो अब अपन यहाँ से नंबर के कोड देख देख के यहाँ लिख डालेंगे, क्या लिख डालेंगे अब बताओ, एन है, एन का कोड कहाँ पे है, कितना है एन का कोड, चेक करो एन कौन से मारा है, इसमें एन नहीं आ रहा, इसमें एन आ रहा है, एन का कोड क्या है, एन का कोड क्या लिख रखा है इसने 8 लिख रखा है, तो एन की जगह अपन क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। फिर है, फिर नेक्स्ट क्या है अपना ई है, तो ई चेक करो ई कहाँ का आ रहा है, देखो ई आ रहा है 0 कोड है, ई आ रहा है 0 कोड, यानी ई का कोड क्या है 0 है, तो ई की जगह अपन क्या लिख देंगे 0, वापस ई आ गया 0 लिख दिया। फिर क्या आ रहा है आर आ रहा है, आर चेक करो आर कहाँ पे है, देखो आर इस वाले में तो है नहीं, आर इसमें, आर का कोड क्या दे रखा है इसमें 1 दे रखा है, तो आर की जगह अपन ने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक किए, नेक्स्ट चेक करें क्या चेक करें, क्वेश्चन ने अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि भाई 1 3 4 7 9 इसका कोड ये है, भाई 1 को क्या है उसने ए का है, 3 को उसने क्या कहा है क्यू का है, 4 को उसने क्या कहा है, 4 को एफ का है, 7 को उसने क्या कहा है जे का है, और 9 को उसने क्या कहा है एल का है, यानी कि 1 का कोड क्या दे दिया ए दे दिया, 3 का कोड क्या दे दिया क्यू दे दिया, फिर 4 का क्या दे दिया एफ, 7 का जे, 9 का एल, इसी प्रकार से फिर दे दिया है कि 5 2 6 8 को उसने क्या कह दिया डी एम पी एन, यानी 5 को क्या कहा डी, 2 को क्या कहा एम, 6 को क्या कहा पी, और 8 को क्या कहा एन। तो बताओ 3 9 6 8 2 4 को क्या कहेंगे, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या बताया था लेटर कोडिंग में जो कोड है वो फिक्स कर लो। तो अब मेरे को बताओ इनमें इनमें सेम सेम कौन सा आ रहा है कॉमन, कॉमन ए नहीं दिखाई दे रहा, क्यू भी नहीं दिखाई दे रहा, एफ भी नहीं दिखाई दे रहा, जे भी नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज इनमें कॉमन नहीं है, तो अपन को क्या है अपन को तो कोई मतलब नहीं है भाई, अपन को तो ये फिक्स है कि इन इन वर्ड्स का इन इन के नंबर्स का ये कोड है, तो अपन को वही काम दोहराना है, क्या दोहराना है देखो अपन को क्या दोहराना है। अब मेरे को बताओ 3 का कोड क्या है, बताओ 3 कहाँ दिखाई दे रहा, 3 इसमें दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, 3 इसमें दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो अब मेरे को बताओ इसमें 3 का कोड आपको दिखाई दे रहा है, 3 कौन से नंबर पे 1 2 2 पे है, तो यहाँ से चेक करते 1 2 2 पे क्या है क्यू है, तो 3 का कोड क्या हो गया क्यू, तो यहाँ अपन क्यू लिख देंगे। अब बताओ 9 है यहाँ पे 9, तो 9 कौन से इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो लास्ट ये रहा इसका, तो 9 का कोड कितना है एल है, तो एल कर दिया। अब बताओ यहाँ 6, ठीक है 6 का क्या है कोड, तो 6 कौन से में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, कौन से नंबर पे तीसरे नंबर पे, यानी 1 2 3, तो गिन लो यहाँ से 1 2 3, तो 6 का क्या है 9 है, सॉरी 6 का क्या है पी है पी, ठीक है तो 6 का पी लिख दिया। फिर क्या है 8 है, 8 देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा, लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में यहाँ क्या है एन है, तो 8 का क्या हो गया एन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट 2 दिखाई दे रहा है, देखो इसमें 2 नहीं है इसमें 2 है, कौन से नंबर पे 1 2 दूसरे नंबर पे, तो 1 2 क्या है एम आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया एम लिख दिया। फिर क्या दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, इसमें 4 नहीं है, इस वाले में चेक करते हैं 4 ये रहा 4, तो फिर कितने नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया ये हो गया 4 का एफ हो गया, और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया क्यू एल पी एन एम एफ, ये अपना आंसर हो गया। अब देखो क्या था इसमें नंबर कोडिंग में, कुछ था क्या, जो नंबर दे रखा है फिक्स हो कर दिया कि भाई वो इस चीज का कोड है वो इस चीज का कोड है, फिर जो भी पूछ लिया उनके बस नंबर देखते जाओ और वो कोड रख दो, तो बहुत आसान था ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, उसने एक वर्ड दे रखा है अपन को पी ए आई एन टी, यानी पेंट दे रखा है, तो इसको कह दिया उसने कि भाई इसका कोड ये है, यानी पी का क्या है, पी को क्या माना है 6 माना है, ए को क्या फिक्स किया है ए को कोड दिया 3, आई को दिया है, आई को क्या दिया है आई को दिया है 2, एन को क्या दिया 4, टी को कितना दिया 7, इसी तरह से यहाँ एस एच आई आर टी शर्ट का कोड दे दिया है, ये दे दिया, तो शर्ट में एस को 1 दे दिया, एच को क्या दे दिया एच को 5 दे दिया, आई को क्या दे दिया 2 दे दिया, आर को क्या दे दिया आर को 9 दे दिया, और टी को क्या दे दिया टी को 7 दे दिया। तो बताओ अब देखो ये दे दिया, तो बताओ कि एच ए आई आर हेयर को क्या कोड देंगे, यानी हेयर का क्या कोड होगा,
तो अब मेरे को बताओ हेयर में क्या रहा है, एच आ रहा है, तो अपन ढूंढे इसमें एच कहाँ पे, इसमें तो है नहीं, इसमें है एच, ये रहा एच, ठीक है, एक दो दूसरे नंबर पे, तो यानी एच का कोड क्या होगा, एच का कोड 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, ए, ए का कोड, तो ए कौन से में, देखो इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है ए, तो ए कौन से नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, तो क्या हो गया, ए का कोड 3 हो गया, तो 3 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, आई, आई देखते हैं, आई कौन से में, इसमें भी है तीसरे नंबर पे, इसमें भी है तीसरे नंबर पे, यानी यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो आई का फिक्स है, क्या कोड हो गया आई का, 2 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है आर का, आर का, तो अब आर देखते हैं कौन से में, इसमें आर है नहीं, इसमें आर है, ये रहा। फिर आर कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, चार फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, फोर्थ, फोर्थ पे कौन है, 9 है, तो आर का कोड कितना है, 9, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है उसने, नेक्स्ट में दे रखा है टी आई आर, ये एक वर्ड दे रखा है, उसको उसने लिख रखा है 5972, यानी कि टी को उसने क्या लिख रखा है, टी को उसने 5 लिख रखा है, आई को उसने क्या लिख रखा है, 9 लिख रखा है, इसी तरह आर को क्या फिक्स कर रखा है, 7, ई को क्या कर रखा है, 2, इसी तरह से यहाँ पे आर ई ए डी, रीड, रीड दे रखा है, रीड को उसने लिख रखा है 7 2 8 3, यानी आर को क्या दे दिया, देखो यहाँ पे आर 1 2 3 थर्ड नंबर पे, 1 2 3 थर्ड नंबर पे, 7, यहाँ पे आर पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे 7, तो आर का फिक्स हो गया 7। फिर ई, ई यहाँ लास्ट नंबर पे कितना, 2, यहाँ पे सेकंड नंबर पे 2, ठीक है। फिर ए, ए को क्या फिक्स कर दिया उसने 8, डी को क्या फिक्स कर दिया 3, तो अब अपन से पूछ रखा है ये कोड दे रखा है कि इसके इन इनके कोड ये दे रखे, इन इनके कोड ये दे रखे, तो बताइए डी आई ई टी डाइट, डाइट का कोड क्या होगा, ठीक है, तो इसका कोड निकालना है अपन को, इसका कोड क्या होगा, तो देखो डी, डी का मैंने क्या बताया था, डी का कोड क्या था, अब मेरे को बताओ डी का कोड क्या था, डी चेक करो कहाँ पे है, ये रहा डी, इस वाले में डी कहाँ है, लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है, 3 है। इसी तरह से आई का कोड क्या होगा, आई कौन से में, इसमें है नहीं, आई इसमें है, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 1 2, ये रहा 2, दूसरे नंबर पे क्या है, 9 हो गया। फिर ई देखिए, ई का कोड, ई कौन से नंबर पे है, देखो ई इसमें भी है, लास्ट नंबर पे 2, इसमें सेकंड नंबर पे 2, तो ई का कोड क्या है, 2, तो ई का अपन ने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब टी का चेक करते हैं, टी का चेक करते हैं, तो देखो टी कहाँ पे, इसमें है नहीं, टी इसमें कहाँ है, पहले नंबर पे, तो टी का कोड क्या दे रखा है, टी का कोड दे रखा है 5, तो ये अपना आंसर हो गया। तो देखो नंबर कोडिंग कंप्लीट हो गई है, समझा चुकी हूँ, क्योंकि इसी टाइप की आती है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग है ना, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कौन सा पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशनल पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पढ़ेंगे, जो कि बैंक में 2 नंबर की जरूर आती है। तो देखिए आपको मतलब कि ये नहीं है कि देखो कोई भी वीडियो कि भाई अरे इतना लंबा है हम कैसे देखे, कैसे देखे, क्या है भाई, आप क्या 30 से 35 मिनट का वीडियो देख नहीं सकते क्या? अरे आप देखिए ना, आपके क्या है सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इंटरेस्ट लेके देखिए, और आप देखना पेपर करने जाओगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो उतना आपके अपने दोस्तों के पास रोटेट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।